हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज हम बनाएंगे एकदम देसी स्टाइल लाजवाब देसी नूडल्स। बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी, बच्चे बड़े बहुत पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने नूडल्स को उबाल लिया है नमक देकर के पानी में, और इसे छान करके पानी से अच्छे से धो दिए हैं जिससे ओवर कुक ना हो। और एक कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए चढ़ाएंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगी तो उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल करके गर्म करेंगे। यहाँ पर देसी स्टाइल बना रहे हैं इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया है। आप अगर सरसों का तेल पसंद नहीं करते हैं तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। उसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा और साथ में 1/4 चम्मच हींग। देसी स्टाइल है ना, तो इसलिए देसी मसालों का यूज करेंगे। और जब जीरा क्रैक कर जाए तब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चे कितना तीखा खाना पसंद करते हैं, अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो इसमें 1-2 मिर्च अधिक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 मिर्च को बारीक बारीक काट करके लिया है। और थोड़ा सा मिर्च को कुक हो जाने के बाद यहाँ पर हम सब्जियाँ डालेंगे। गाजर, बीन्स और हरी मटर मैंने सब्जी में लिया है। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च और कैप्सिकम, लाल वाली, पीली वाली, हरी वाली, या फिर पत्ता गोभी, फूल गोभी, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल सी सब्जियों को ले रही हूँ जो सभी खाना पसंद करते हैं, और इसे मैंने काट लिया है इस तरह से। और इसे हम सौटे होने तक पकाएंगे। यहाँ पर हमारी सब्जियाँ कुक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हमको नहीं पकाना है। यहाँ पर कैंची ही रखना है। और अब यहाँ हम डालेंगे थोड़े से मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी। देसी मसाले हैं ना, इसलिए यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। अगर चाइनीज़ बनाते तो उसमें हल्दी हम नहीं डालते। और साथ में डाल रहे हैं 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। इसे डालने के बाद हमको इसे चला देना है। इन मसालों को अच्छे से हमें सब्जी के साथ मिक्स कर देना है। और यहाँ पर मैं स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ सब्जियों के लिए। नूडल्स में तो नमक डाल करके पहले ही मैंने उबाल लिया था, लेकिन यहाँ पर सब्जियों के लिए नमक डाल रही हूँ। और इस सब्जी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ देखिए, सब्जियों को मसाले के साथ मिक्स कर रही हूँ। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखे हैं। और अब इसमें हम डालेंगे चिली सॉस 2 चम्मच। चाइनीज डिश है तो इसमें सॉस पड़ेगा ही। चिली सॉस, टमाटो सॉस और सोया सॉस 2 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच टमाटो सॉस और छोटी वाली चम्मच से 1 चम्मच मैंने सोया सॉस डाला है। ये डार्क वाला है इसलिए मैंने छोटी वाली चम्मच से 1 चम्मच डाला है। अगर आपके पास लाइट वाला हो तो आप बड़े चम्मच से 1 चम्मच डाल सकते हैं। और इन सारे सॉस को सब्जी में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। सॉस डालते ही सब्जियों का कलर देखिए हमारा बदल गया है और मसाले भी अच्छे से फ्लेवर छोड़ रहे हैं। इसे 1 मिनट कुक कर लेंगे। और यहाँ पर हम डाले हैं 1 चम्मच वेनेगर, वाइट वेनेगर। बिना वेनेगर के तो कोई नूडल्स, पास्ता या मैक्रोनी कुछ भी नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर मैंने वेनेगर डाला। और यहाँ पर मैं 2 बड़ा चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ सब्जियों में। इसे हम देसी स्टाइल में बना रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ जिससे हमारे मसाले अच्छे से पक करके फ्लेवर छोड़ें हमारे नूडल्स में। और पानी में देखिए उबाल आने लगा है। तुरंत पानी डालते ही यहाँ पर सब्जियाँ और पानी में जब उबाल आने लगेगा तब यहाँ हम मिक्स करेंगे अपने उबाले हुए नूडल्स को। ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है हमारे सब्जी में, ग्रेवी में। और अब यहाँ मैं उबाले हुए नूडल्स को इस ग्रेवी में मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा नूडल्स में मिक्स करूँगी और चलाऊँगी, क्योंकि ये लंबे लंबे नूडल्स होते हैं, चलाने में बहुत दिक्कत होता है और ये जो है अच्छे से सब्जी में मिक्स नहीं होते, इसलिए मैं थोड़े थोड़े से करके इसे मिक्स कर रही हूँ। बहुत ईजी, बहुत आसान रेसिपी है, इसे तो बच्चे भी बना सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे एकदम ईजी प्रोसेस में बताया है। यहाँ पर शिफ्ट वाइज थोड़े थोड़े नूडल्स डाल रही हूँ और उसे अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर रही हूँ।
फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये हमारा देसी स्टाइल देसी तड़के वाला मसाला नूडल्स बन करके रेडी हो रहा है। इसे बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। हमारा देश तो मसाले का खजाना है। इतने सारे मसाले होते हैं कि हर मसाले का अपना गुण है और अपनी पौष्टिकता है। ये देखिए, ये हमारा मसाला नूडल्स, एक बार आप बनाकर खाएंगे ना तो बच्चे इसके दीवाने हो जाएंगे। चाइनीज डिश में तो मसाले बहुत कम पड़ते हैं, लेकिन हमारे यह देश मसालों से भरा हुआ है, तो क्यों ना हमें इसमें मसाले ऐड करके बनाएं और इस नूडल्स की पौष्टिकता को बढ़ाएं। ये हमारा देसी तड़के वाला देसी मसाला नूडल्स रेडी है। इसे हम इस पिचला से चम्मच से जैसे हमें सुविधा हो इसे चला सकते हैं। इसे हम चलाने के लिए जो नूडल्स चलाने के लिए चम्मच आता है ना, उसका भी यूज कर सकते हैं। इसे कढ़ाई की जगह हम तवा पर भी बना सकते हैं, बड़ा तवा हो आपके पास तो। और यहाँ पर मैं टमाटर को कट करके डाल रही हूँ स्लाइस में, और यहाँ पर थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, इसे भी ऊपर से डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से हम नूडल्स में मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, हमारा देसी स्टाइल मसाला नूडल्स बन करके रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। और अब करते हैं इसकी हम प्लेटिंग। इसे प्लेट में सर्व करने से पहले गैस को कर देंगे हम बंद, और गैस बंद करने के बाद इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने सर्व करने के लिए एक प्लेट लिया है और उसमें जो है इस नूडल्स को निकालेंगे। निकालने के लिए आप चम्मच का यूज करें या चिमटा से भी आप इसे निकाल सकते हैं। लंबे लंबे हैं ना, तो इसलिए चिमटा से आप निकालिएगा तो बहुत इजीली निकलेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम चिमटा से इसे निकाल रहे हैं। ये हमारा देसी तड़का वाला देसी स्टाइल मसाला नूडल्स बच्चों के सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। आप भी एक बार इस मसाला नूडल्स की रेसिपी को बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, और अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए कि ये हमारा देसी स्टाइल मसाला नूडल्स आप लोगों को कैसा लगा। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ये हमारा मसाला नूडल्स बन के तैयार है। थैंक